हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, इस महामारी के समय आप तो जान रहे, इस समय कैसा आपातकाल चल रहा है, कैसा महामारी चल रही है, तो इसमें कुछ घरेलू हम आपको फायदा चीज़ों के टिप्स बता सकते हैं जिससे आपको काफ़ी फायदा हो सकता है। सबसे पहले अगर हम फिचकरी की बात करते हैं तो इस समय फिचकरी का यूज़ बहुत फ़ायदेमंद होता है। आप फिचकरी का पानी जो है वो पी सकते हैं, तो इस महामारी में आपको फिचकरी के पानी से काफ़ी लाभ पहुंचेगा। इसके लिए आपको एक टुकड़ा फिचकरी लेना है, उसको कप में डालना है और उसके ऊपर से गर्म पानी डाल देना है। उसके बाद जो है एक सेकेंड के बाद फिटकरी को निकाल के बाहर हटा लेना है। इस पानी को आप पियेंगे, इस पानी से आप गार्गल करेंगे तो अंदर से कफ भी बाहर निकल जाएगा। फिटकरी का फायदा हमने आपको बताया, बहुत ज्यादा फायदेमंद है। पीना है, गरारा करना है, इसके अलावा थोड़ा सा फिचकरी के पानी से, गुनगुने पानी से नाक से भी थोड़ा सा लेना है, जिससे कि अंदर अगर आपका कुछ जमा है कफ वगैरह तो वो भी श्वास नली आपके नाक उसमें खोल देगा ये, जिससे कि आपको सांस लेने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो जो भी आपको ये आप विचार विमर्श करके यूज करें, जो भी आपको सुटेबल लगे वो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी चीज है प्याज। आपको अंडे बराबर, जैसा एक अंडा होता है उसके बराबर, उससे ना बड़ा ना उससे छोटा, उससे बड़ा एक प्याज ले लेना है। मोटे छिलके वाला, लाल जो प्याज आता है, डार्क लाल मोटे छिलके वाले उस प्याज को ले लेना है। उसके बाद उसको छीलने के बाद, छिलका हटाने के बाद उसको स्लाइस में काट लेना है। उसके ऊपर से सेंधा नमक छोड़ना है, छिड़कना है और उसके बाद उस प्याज को खा लेना है, चबा के खा लेना है। एक प्याज आपको खा लेना है। इससे आपके अंदर अगर कोई महामारी का वायरस चला भी गया होगा तो वो जो है फौरन इसको मार देता है, वायरस को मार देता है। और ये काफ़ी लोगों को नुस्खा किसी ने मुझे भी बताया था तो मुझे भी बहुत फ़ायदा हुआ है। बुखार में भी ये नुस्खा बहुत फ़ायदा किया है। मुझे बहुत बुखार था, मैंने एक दिन, दो दिन, तीन दिन इस तरह से खाया है, एक प्याज डेली दो या तीन दिन खाया है और मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ है। बुखार उखार छूमंतर हो गया है, जबकि मैं काफ़ी दवाएं भी ले रही हूँ, सब कुछ ले रही थी, लेकिन हाँ इस प्याज से मुझे असर पड़ा है। मेरा पर्सनल जो एक्सपीरियंस है वह मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इसके इफेक्ट्स जल्द, किसी पे जल्दी, किसी पे कम, किसी पे ज़्यादा, किसी पे तेज़ असर का जो है वो अलग अलग वो होता है हर किसी पे, लेकिन ये आपको घरेलू है, आपको नुकसान नहीं करेगा, आपको फ़ायदा करेगा। तो आप ये दोनों उपाय करके देख सकते हैं। और इसमें जो है डॉक्टर से प्रेस्क्राइब आप दवा भी खाइए, जो भी एक्सरसाइज अनुलोम विलोम है वो भी करिए। सबसे बड़ी चीज़ है भाप लेते रहिए, भाप लेते रहेंगे तो कफ नहीं जमेगा। और पॉजिटिव रहिए, सोचिए भी पॉजिटिव, वैसे पॉजिटिव नहीं, वो नहीं रही है, वो रिपोर्ट नेगेटिव होनी चाहिए, लेकिन थिंक पॉजिटिव। अगर आप अच्छा सोचेंगे, अच्छा महसूस करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। अगर आप अफेक्टेड हो भी गए हैं तो आप अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छे वीडियोस देखिए, थोड़ा सा अपने को बिजी इन्हीं सब चीज़ों पे रखिए और थोड़ा सा सावधानी बरते तो इस महामारी से बच के निकल जाया जा सकता है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, मेरी जानकारी काम की लगे तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जिससे दूसरों को भी ये जानकारी पहुँचे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए टाटा बाय।